हेलो दोस्तों, आज के समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड कितने ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है वो सब तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में बिना पैन या फिर आधार के आप बहुत सारे ऐसी सेवाएं हैं जिसको आप नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करना हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा और बहुत सारे ऐसे सरकारी सेवाएं हैं जिसको आप नहीं ले सकते हैं। आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना बहुत ही अनिवार्य हो गया है और गवर्नमेंट द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये भी जारी कर दिया गया है, आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक करना कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड में लिंक नहीं होगा तो दोस्तों आप पैन कार्ड कहीं भी यूज करेंगे वो अमान्य माना जाएगा। इस चीज को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घबराए हुए हैं और उनको पता नहीं है कि हमारा जो पैन कार्ड है उसमें आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं लिंक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैन कार्ड बहुत पहले बनवा चुके थे जबकि उस समय आधार कार्ड बना ही नहीं था दोस्तों, तो उन लोगों के लिए बहुत ही समस्या हो गया है क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड में लिंक करने का जो चार्ज है वो 1000 रूपए कर दिया गया है। 1000 रूपए सरकारी फीस है और जो भी पैन कार्ड और आधार कार्ड में लिंक करेगा वो भी कुछ पैसे चार्ज करता है इसको लिंक करने के लिए, और अगर आप इसको खुद से करते हैं तो नहीं लगेगा। इस वीडियो के अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैन कार्ड से आधार कार्ड कैसे लिंक करें, और अगर आपको पता करना हो कि पैन कार्ड जो हमारा उसमें आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं लिंक है तो आप बस वीडियो में बने रहें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, मैं आपको वो बताऊंगा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है। आपको दोस्तों सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फोन के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको www.incometax.gov.in को ओपन कर लेना है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा सा यहाँ पे आप नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स के अंदर इतने सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर दोस्तों मैं इन सभी ऑप्शन को आपको अगर बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, शायद से आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो दोस्तों इन सब को इग्नोर करते हुए मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कि आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड में लिंक है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक आधार के स्टेटस के ऊपर यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको राइट साइड में दिख जाएगा ऊपर से जो पहला है लिंक आधार स्टेटस, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको पैन लिखा हुआ आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने पैन कार्ड का जो भी नंबर है यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद इसके नीचे आधार नंबर में जो भी आपका आधार नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम अपना पैन और आधार इसमें डाल के आपको बताते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे आपको अपने व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड अगर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि योर पैन नंबर इज ऑलरेडी लिंक टू योर आधार। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दोस्तों। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।